आप ये दूल्हे राजा बन के क्यों घूम रहे हो, पहले ये बताओ मुझे। आ जाओ। आप सभी को नमस्ते, मैं हूँ आरती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और अभी बज रहे हैं लगभग 6 सुबह के, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है इसलिए परेड भी होती है आज तो। बट आजकल तो स्कूल बंद चल रहे हैं तो कोई फंक्शन नहीं है। हालांकि मेरे घर के जस्ट सामने जो स्कूल है, मेरा पहले प्लान था कि अगर वहाँ कोई फंक्शन हो रहा होगा तो मैं वहाँ जाऊंगी, पर वहाँ कोई फंक्शन नहीं हो रहा, बच्चे नहीं आ रहे हैं। बट फिर मुझे पता चला कि पतिदेव परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कैंपस के अंदर होने वाली है, तो मैंने उनको इतनी रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरे को आने दो, प्लीज मुझे आने दो, आई वांट टू वॉच यू। क्योंकि मैंने पता नहीं शांति को परेड करते हुए लास्ट शायद एनसीसी में देखा था, शायद बारे परेड करते हुए भी देख लूंगी, बट पता नहीं वो मना कर रहे थे मुझे बार बार कि नहीं नहीं शायद फैमिली अलाउड नहीं है। देन रात को 11:30 बजे पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, यही सेट की ठीक है तुम आ जाना। रात को 11:30 बजे ये चीज मुझे बताई गई, फिर मैंने क्या किया, कुछ मैंने सोचा अब कुछ कपड़े तो डिसाइड करने पड़ते क्या पहन के जाऊं, तो मैंने आज के लिए स्पेसिफिकली व्हाइट सूट खरीदा हुआ था, वो मुझे नहीं मिला, रात को ढूंढती रही। उसके बाद मैंने ऐसे ही कोई एक सूट निकाल लिया, मैंने सोचा इसको पहन लेती हूँ। फिर मुझे लगा कुछ हेयर स्टाइल क्या करूंगी, तो मैंने ना रात को ये चोटियां बनाई, 1 बजे मैं रात को ये चोटियां बना के सोई हूँ सेम, ताकि जब मैं इनको ओपन करूँ तो शायद मेरे कुछ अच्छे से हेयर स्टाइल कर पाऊँ मैं इसमें। बट आई डोंट नो इसमें क्या बन पाएगा। तो मुझे ना लगभग 7:45 बजे वहां पहुंचना है, तो मैं बस जा रही थी शावर लेने, तो उससे पहले मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर दूं और इन बालों को मैं पहले ओपन कर लेती हूँ। मुझे तो लगता कि कुछ फर्क पड़ा है, शायद चोटियां टाइटली करनी रही थी, मुझे बहुत लूज थी, मुझे लगा था थोड़े से कर्ली हो जाएंगे बाल तो अच्छे लगेंगे, बट एनीवे थोड़ा सा कर्ल कर लूंगी या फिर स्ट्रेट कर लूंगी। और अभी सुबह सुबह ना जस्ट बारिश होने लगी थी तो मुझे लगा कि शायद प्लान कैंसिल करना पड़ेगा जाने के लिए, बट अब मैं तैयार होने जा रही हूँ और फिर मैं निकलती हूँ। मैं जाती हूँ फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और आज मैं आप लोगों को शांति से मिलवाऊंगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से तैयार होने के बाद। सो आई एम रेडी और अब मैं बस निकल रही हूँ क्योंकि लगभग 7:30 हो गए। मैं पहुंच गई पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जाना कहाँ से है, बट अंदर सुंदर है, हरियाली हरियाली, साफ सफाई है, इधर यहाँ कोई नहीं आया हुआ है, मैं सबसे पहले आ गई हूँ। यहाँ पे ना फोटो खिंचवाने के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन कोई है ही नहीं जो मेरी फोटो क्लिक करे, मेरा फोटोग्राफर तो गायब है। कदू से हाय, आप ये दूल्हे राजा बन के क्यों घूम रहे हो, पहले ये बताओ मुझे। आज हमें जो है झंडा फहराना है। झंडा तो फहराना ही है, मुझे ऐसा लग रहा है अपनी शादी में तैयार होने का मौका नहीं मिला इनको, इसलिए दूल्हे बनते को देखो। हाँ सही कर लो, सही कर लो। हाँ प्लीज भैया एक फोटो खींच दो, हमारे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, हमें सेल्फी लेनी पड़ जाती है। हम एक भैया मिल चुके हैं और हम इनसे फोटो क्लिक करवाने वाले हैं। तो अब हम चल रहे हैं अंदर और हमने फोटो क्लिक करा ली है, क्योंकि कभी हमारे पास फोटो नहीं होती थी। सो आई एम गोइंग इनसाइड और अभी भी कोई नहीं आया, सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। कोई आया क्यों नहीं है अभी? अंदर में रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ ना? चलो ठीक है। ये लड़का हमेशा चिढ़ता रहता, क्या हो गया, परेड करने नहीं जा रहे, परेड शुरू नहीं, पसीने अभी से छूट रहे हैं आपके जनाबे अली। अब मैं बैठ गई हूँ पंखे के सामने, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन अभी ना इन लोगों की ना परेड 9 बजे शुरू होगी, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको देखो कितनी परेशान हो रही है, क्या हो गया, बांधो क्या इसे, क्या ये सब स्ट्रगल करते हुए आपको एनसीसी की याद आ गई? सारी याद आ रही है। ये पिन लेके घूम रहे तो कभी नहीं घूमते हैं, सुई धागा लेके तो नहीं आता है। ओ गॉड, पता है डर के मारे बैठ नहीं रही गई है। काम धाम अपने आप को देख लोगे तो देखो ऐसा लग रहा है। हाँ तो ठीक है, मेरा क्या बुरा है, अच्छे लग रहे हो, बस थोड़े से दूल्हे का लग रहे हो। ये बहुत बुरा लगता है, स्टार्टिंग से बहुत बुरा लगता है गले का, आई नो आई नो, इसीलिए ये शर्ट पहनना भी प्रेफर नहीं करता। पर मैं दिखा देती हूँ, डेकोरेशन अच्छी हुई है और परेड वाली पार्टी जो है वो आ गई है, तो चलो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। वो जो दूल्हे राजा वाली कैप ले रखी है ना वो भैया ने, वो देखने में तो बड़ा मजा, बहुत ही बुरी है। हाँ वो मुझे बुरी लगती है,
लेकिन आरडीसी परेड में जब वो परेड करते नहीं हिलता है जब, दूसरा पहने हो तो अच्छी लगती है वो देखने में, हाँ फिर वैसे खुद पहनने में नहीं अच्छी लगती ना, तो मुर्गे ऐसा लगता है मोर खिल रहे हैं। खाने के ऊपर रहते हैं। में क्या मिलेगा? बड़ा खाना है अरे बड़ा खाना नहीं, मुझे क्या मिलेगा? यहाँ हाँ बटेंगे पीठ डब्बे में क्या चीज है। लड्डू, लड्डू की वजह से तो आई मैं। एक भैया से मैंने मतलब हमने जुगाड़ लगाई, शायद वो हमारी फोटो गिर है, पर वो एक्टिंग बहुत मार रहा है तो शायद वो फोटो खींचने वाली आ जाए, तो उनके पास कैमरा है, वो फोटो खींच देंगे, तब उनसे फोटो ले लेंगे बाद में। मेरे बाल देखना कैसे हो रहे हैं, हालांकि वो भैया ने हमारी फोटो क्लिक कर दी, एक ही फोटो क्लिक करी है, और ऊपर से उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि अपनी चुन्नी ठीक करो या हाथ ऐसे रखो, क्या फोटो वो पर्सनल फोटोग्राफर तो बहुत यार है तो फोटोग्राफ एक और है, ये है, बंदा वीडियोग्राफर। वीडियो बनवा रहे थे तो मुझे एंकरिंग मिलनी चाहिए थी ना जबरदस्ती कर ले लो, बट लोटपोट हो जाओ बीच में लाके। यू नो ना, आई एम गुड एंकर। यस आई एम, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। वो वीडियोग्राफर ने हमारी वीडियो ले ली। छूट चुके हैं इनके परेड के बाद। क्या मिला है? तो खेला नहीं यार, वो क्या अवार्ड था, मेरी अवार्डी और अवार्ड मिलना तो था सबको एक एक करके, लेकिन बाद में वो कर दिया पोस्टपोन, एक परेड कमांडर को दे दिया था। तो उसमें क्या है एनवेलप में? कैश रिवॉर्ड होगा। हां मेरे बालों की हालत देख रहे हो अबे, चलो मुझे लग रहा था एक तो भैया साहब गिर पड़े थे उधर गार्ड वाला, मैं तो ये ज्यादा अपना कोई पार्टी नहीं गिर पड़े, मैंने सोची थी कहीं मेरा लड्डू ना गिर। खाने पीने की व्यवस्था है भाई? पता नहीं है, मुझे लगता नहीं है कुछ है, सब सूखे सूखे जा रहे हैं। चलो घर है मुझे इनको परेशान करने में बहुत मजा आ रहा है कि नहीं ना, फोटो सेशन चल रहा है सबका और मेरी हालत इतनी गंदी हो गई, मन नहीं कर रहा मेरा फोटो क्लिक कराने का। बता घर चलोगे मेरे साथ? अभी यहाँ 11 बजे का प्रोग्राम है। मतलब खाना खाओगे ना तुम? बड़ा खाना मतलब जबरदस्ती बिठाया बैचलर वो पार्टी है ना जो बैरक वाला। यू आर नॉट बैचलर बाय द वे। अरे ऑन पेपर तो बैचलर ही है। ओह गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल? ऑन पेपर तो मैं बैचलर नहीं होना चाहिए। अरे जल्दी चलो जितु यार, मैं तुम्हारे चक्कर में कुछ खा के नहीं आई, मैं तो इडली बनाऊंगी साथ में खाएंगे। नाउ बना लो, मैं आ जाऊंगा खाली उधर अटेंड हो करके। मुझे पता है ये पक्का खा कर आएगा, और अगर सुन लड्डू उड्डू मिले तो मेरे लिए अच्छा ठीक है। टंगड़ी मिल रही होगी बकरे की टंगड़ी? टंगड़ी वंगड़ी नहीं, मेरे को लड्डू अगर मिलता है ना प्लीज लाना प्लीज। चलो चलो गर्मी लग रही है। चलो फिर तो आप शुभकामनाएं तो दे दो आप सभी को। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज ये इतना बोल रहे हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो।
ठीक है, चलिए चलते हैं, बाय बाय, बी सेफ।